अगर आपको कम से कम रेट पे ऐड चलाने हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप ना कीवर्ड को इस तरीके से यूज करो आपको कम से आपको ना फेस की मैच कीवर्ड यूज करने हैं। अगर आप फेस मैच कीवर्ड यूज करते हो या ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज करते हो तो आपके ऐड जो है वो सस्ते पड़ेंगे। लाइक ब्रॉड मैच मतलब आप जैसे कि यहाँ पे अगर ब्रॉड मैच यूज कर रहे हो तो जैसे आपने ग्राफिक डिजाइन यूज किया तो ये क्या होगा, इस पे अगर आपका ऐड जो है वो अराउंड 3 से 4 रुपए क्लिक पड़ जाएगा। ठीक है, जो मेरा पड़ रहा है। ब्रॉड मैच पर क्या होता है, एक्स्ट्रा क्लिक आते तो वो क्लिक मतलब बेकार ही होते, कुछ खास काम आते नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके साथ साथ आप क्या यूज करोगे, फेस मैच यूज कर सकते हो। फेस मैच में आपको क्या लिखना पड़ेगा, ग्राफिक डिजाइन इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, कोई अगर ये लगाता है हमारा कि बेस्ट। अच्छा एक चीज और, कि जितने भी छोटे कीवर्ड हो गए उनके ऊपर हमें ना कॉस्टिंग ज्यादा देनी पड़ती है, पर बड़े कीवर्ड पे कॉस्टिंग कम देनी होती है। जैसे कि अगर सपोज ग्राफिक डिजाइन के ऊपर कोई कीवर्ड पे ट्रैफिक आता है या ग्राफिक डिजाइन कोड्स के ऊपर ट्रैफिक आता है तो हमें ना उसकी कॉस्टिंग हो सकता है, हमें एग्जाम्पल 20 रुपये देनी हो सकती है, 20 रुपये दे रहे हैं हम। वही सेम चीज अगर कोई ग्राफिक डिजाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा पे कोई क्लिक आता है तो हमें जो क्लिक देना पड़ेगा वो 10 रुपये या 5 रुपये इस तरीके देना पड़ेगा। तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड को पकड़ना होता है। ठीक है, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होगा कि आप क्या कर सकते हो, अपनी अपने कीवर्ड के साथ अपनी लोकेशन भी लगा सकते हो। तो अगर आप अपने कीवर्ड के साथ अपनी लोकेशन लगाओगे तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड में आ जाएगा। पर ये लगाना आप डायरेक्ट अगर डबल कोट्स के अंदर ये लगाओगे तो कोई मतलब नहीं बनता। आप क्या करो, ग्राफिक डिजाइन डबल कोट्स में आपने ये डाल दिया, आपका कीवर्ड ये हो गया। तो अगर कोई ग्राफिक डिजाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा डालेगा तब भी आपका ही सर्च में आएगा, और अगर कोर्स इन नोएडा डालेगा तब भी आपका ही सर्च में आएगा। क्योंकि ब्रॉड मैच का मतलब क्या होता है कि उसे सिर्फ ग्राफिक और डिजाइन मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो मिल जाएगा, मिलने उसे ग्राफिक और डिजाइन जो वर्ड है उसे मिलना चाहिए एक साथ में। ठीक है हाँ, उसे ऐसा मिल सकता है ग्राफिक बेस्ट डिजाइन, तब भी वो सर्च में आपका ले आएगा, पर उसे ग्राफिक और डिजाइन दोनों वर्ड मिलने चाहिए। अगर उसे दोनों वर्ड नहीं मिलेंगे तो वो आपका ऐड जो है वो सर्च में नहीं दिखाएगा। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ बताइए। अच्छा हाँ, पार्किंग का क्या नाम है, कार है आपका क्या बाइक है? हाँ तो बाइक की तो पार्किंग मिल जाएगी। देखो वहाँ पे ना गार्ड बैठा होगा, वो उसे बोल देना एक्स्ट्रा कोर्ट में जाना तो लगवा देगा। हाँ गाड़ी मेरी भी गाड़ी खड़ी होगी वहाँ पे, वहीं पे आप लगा दो, या जो पटरी है ना ऊपर, जो ऊपर चढ़ के पटरी है वहां लगा दो, एटीएम के सामने ही बस। हाँ, बोल दो क्या क्या ना, राहुल सर ने बोला है लगवा देगा। ग्राफिक डिजाइन आगे समझ में। तो लाइक क्या हो गया, अब हमारे पास यहाँ पे ये कीवर्ड जो है हमें सस्ता पड़ेगा अगर हमारे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड आते हैं। अब आप कीवर्ड से बच कैसे सकते हो, हो सकता है कि ना कोई ना ये कीवर्ड डाल दे, बेस्ट ग्राफिक डिजाइन फ्री कोर्स। अब ये कीवर्ड जो है, मैं ये कीवर्ड यूज करता हूँ, अगर कोई ये कीवर्ड सर्च करके आता है तो वो मेरा पक्का पता है मुझे कोर्स तो परचेस करेगा नहीं, उसे फ्री में चाहिए। तो इस मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये जो फ्री वर्ड है ना, बाय गुड इवनिंग, देखो यहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है कीवर्ड, कीवर्ड के अंदर एक ऑप्शन होता है नेगेटिव कीवर्ड।
आप अपने ना कुछ कुछ नेगेटिव कीवर्ड डाल सकते हो। जैसे मैंने नेगेटिव कीवर्ड डाल रखे हैं, जैसे मैंने अरीना, अभी क्या हो रहा था कि ना मैंने फेस मैच, देखो टाइप जो रखा है मैंने फेस मैच रखा हुआ है, और यहाँ मैंने अरीना डाल रखा है। लोग ना अरीना सर्च करके मेरे ऐड पे आ रहे थे और क्लिक कर रहे थे, तो मैंने ये देखा कि अरीना, जब वो अरीना के लिए सर्च कर रहे तो मेरे पास तो आएगा नहीं, तो मैंने क्या करा, अरीना को नेगेटिव कीवर्ड में डाल दिया। पॉजिटिव कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड में ये फर्क होता है कि अगर नेगेटिव कीवर्ड में आप किसी चीज को डाल देते हो तो उस की वो कोई वर्ड अगर कोई यूज करता है तो आपका एड सर्च में नहीं आएगा। ठीक है, तो बिगनर्स, मुझे लग रहा था कि बिगनर्स फालतू में कोई क्लिक करेगा तो मैंने लगा हटा दिया। मैंने क्या करा, नेगेटिव में डाल दिया। फ्री वर्ड, मैं चाहता हूँ कोई फ्री सर्च करे तो वो मेरा सर्च में ना आए, तो मैंने फ्री लगा दिया। इंडिया लगा दिया कि कोई पूरे इंडिया में ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो नहीं आए। सैलरी कोई सर्च कर रहा है, ट्यूटोरियल्स कोई सर्च कर रहा है, ये सब चीज़ें सर्च कर रहा है तो मैं चाहता हूँ कि नहीं आए। ठीक है, या मैं चाहता हूँ, चलो एक और लगा के देता हूँ यहाँ पे, डबल कोट्स। डबल कोट्स का मतलब क्या होगा कि अगर कोई ये वर्ड के साथ कुछ और वर्ड भी यूज करता है तब भी ना आए। ठीक है, अच्छा तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि अगर कोई ना, अगर ये सर्च करे करियर या फिर पाकिस्तान, ठीक है, तो मेरा नाम है, तो मैंने क्या करा, सेव टू न्यू एग्जिस्टिंग लिस्ट में क्लिक करके, अच्छा इसी में कर देते ना, बस सेव कर दिया। तो अब यानी कोई पाकिस्तान वर्ड यूज़ कर लेगा तो ये क्या हो गया, फेस मैच में नेगेटिव कीवर्ड हो गया। अगर किसी ने पाकिस्तान में यूज़ किया तो मेरा सर्च में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने नेगेटिव कीवर्ड बना लो। तो नेगेटिव कीवर्ड अगर आप बना लोगे ना तो आपका मतलब ये हो जाएगा कि ना इस कीवर्ड पे आपका एड शो नहीं होगा और फालतू के क्लिक नहीं आएंगे। ठीक है, चलो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपनी कॉस्टिंग को ठीक कर सकते हो। मतलब कॉस्टिंग आपसे, इसका मतलब एक्स्ट्रा कॉस्टिंग तो आएगी नहीं इस चक्कर में, अगर आपने नेगेटिव कीवर्ड अपने सेट कर लिए। फिर आते हैं हमें ऑप्टिमाइज स्कोर। आपको अपना ना ऑप्टिमाइज स्कोर चेक करना है, ऑप्टिमाइज स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अभी मेरा देखो कितना आ रहा है, 66% आ रहा है। आप इस ऑप्टिमाइज स्कोर को कैसे ठीक कर सकते हो वो आपको करना है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशंस देता है, आप उन रिकमेंडेशन को फॉलो करके भी कर सकते हो। अब जैसे कह रहा है कि ना आपने ना कॉल आउट, ये चार कॉल आउट के एक्शन ले लो तो आपका ना क्या होगा, थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा। तो आपने ये चार, क्या मैंने हरिया 5 सीट लिमिटेड, गेट फ्री डेमो क्लास और ये सब ले लिए मैंने, तो ये नीचे शो हो गए हमारे। ठीक है, तो आप इस तरीके से कॉल आउट लगाओगे तो आप, आपका ये जो स्कोर है वो बढ़ जाएगा। तो देखो 65 का 69% हो गया। ठीक है, ये कॉल आउट क्या होते हैं, कॉल आउट इनको बोलते हैं जो नीचे लिखे हुए आते हैं कि 100% प्लेसमेंट, ये सब मैं कॉल आउट लगा सकता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास। अभी सेकंड कह रहा है, सेकंड रिकमेंडेशन दे रहा है कि ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स और UI UX, इसमें कह रहा है कि आप यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल सकते हो। तो मैं चेक करता हूँ क्या वैल्यू डाल सकता हूँ। अभी अभी देखो मेरा स्कोर हो चुका है 69%। आप जितने ज़्यादा स्कोर रखोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो ये कह रहा है कि आपने एड स्ट्रक्चर स्निपेट टू हेक्सा कोड, तो यहाँ पे हम कुछ डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ डाल सकते हो, अपने कीवर्ड डाल सकते हो, तो वो कीवर्ड डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे डेस्टिनेशन ये डाल सकते हो कि कहाँ पे, इंडिया में है, नोएडा में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, नोएडा और इंडिया डाल दिया, नोएडा इंडिया। ठीक है, इस तरीके से डाल दिया, और हमने यहाँ पे सेट कर दिया ये। तो हमारा देखो ये क्या हो गया, 1% इम्प्रूव हो गया है, ऑप्टिमाइज स्कोर जो है हमारा वो बढ़ गया है। अप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना ना क्या चाहिए, हाँ ले लो, इस तरीके से आपको ये चीज़ इम्प्रूव करनी है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा सेटअप। तो नेगेटिव कीवर्ड समझ में आ गया होगा आपको, नेगेटिव कीवर्ड क्यों यूज करते हैं। हेलो ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमने देख लिया कीवर्ड को किस तरीके से हम लगाते हैं और किस तरीके से नेगेटिव कीवर्ड सेट करते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, अपनी इसकी ऑप्टिमाइजेशन को अच्छा रखना है, मतलब जितना ज़्यादा अच्छी तरीके ऑप्टिमाइज करोगे उतना सही सेट हो जाएगा। ठीक है, कंटेंट में हमारे पास नेगेटिव कंटेंट सर्च कीवर्ड्स, इस पर आपको पता चल जाएगा किन किन पे ट्रैफिक आ रहा है, मतलब इससे पता चल जाएगा किस किस पे ट्रैफिक आ रखा है। और नेगेटिव कीवर्ड का ये हो गया कि जो हमने नेगेटिव कीवर्ड लगा रखे हैं, मतलब इस पे क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा आएगा। ठीक है, मतलब ये सर्च करने पे ऑडियंस बताएगा ये कि कितने वुमेन्स आ रखे हैं, कितने मेंस आ रखे हैं, वो सारी ऑडियंस ये बताएगा। तो ये देखो, ये पूरा डाटा बता रहा है कि 18 से 24 तक की एज में 11 क्लिक आए, इसमें 15 क्लिक आए, इसमें 3 क्लिक आए, और अननोन मतलब जिसने कोई रजिस्टर्ड नहीं कर रखा वो 21 क्लिक आए। ठीक है, तो ये सारा पूरा आपको बता देगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये सारी एज और कौन कौन से ऐड के ऊपर क्लिक आए हैं वो सब भी बताएगा। लाइक ये कह रहा है कि 25 से 34 पे की एज के क्लिक आए हैं, जिसमें कॉल ऐड पे आए हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ सारा रिकॉर्ड यहाँ मिल जाएगा इसमें। ठीक है, ये पता चल जाएगा आपको इस तरीके से। कॉल एड वो ऐड होते हैं जिस पे क्लिक करने पे क्या होता है कि सिर्फ कॉल होती है, वो सिर्फ फ़ोन में दिखाई देते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि यूट्यूब एंड डिस्प्ले नेटवर्क से ना 60 क्लिक आए हैं, जिसकी एवरेज कॉस्ट पड़ रही है 3 रुपीज़ पर क्लिक। पर मैंने ये वाला ऐड अब हटा दिया है, पहले ऐड ये चल रहा था पर अब हटा चुका हूँ मैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था कि मेरे पे ना एक्स्ट्रा क्लिक आ रहे थे फालतू के, जो मुझे मतलब कोई क्वेरी भी नहीं आ पा रही थी इससे। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है, किसी को भी ऐड दिखाई दिया उसने क्लिक कर दिया, वो तो उसे कुछ करना भी नहीं होगा तब भी वो क्लिक कर देगा। तो इसलिए सबसे सही ऐड जो रहता है वो हमारा सर्च नेटवर्क वाला ऐड रहता है। जब आप ऐड क्रिएट करते हो मैं वापस आ जाता हूँ कैंपेन पे। ठीक है भाई, पढ़ ले, क्लास क्या चल तो रही है। कितना पढ़ लूँ, तब से पढ़ ही रहा हूँ, 7-8 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आज आज पता है ना, हाँ आज थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा सही हुआ है, हाँ एक वे मिली है, उस पर दौड़ना, एक्स्ट्रा फीस ठीक है, समझ में आया उस तरीके से हम ऐड को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक बार वापस कैंपेन पे आते हैं और देखते हैं सर्च ऐड और डिस्प्ले ऐड में क्या कहाँ पे हम क्या चीज़ ठीक कर सकते हैं। तो मैं नया एक ऐड रेडी कर रहा हूँ जिसमें मैं सर्च ऐड पे ही फोकस करूँगा। तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट ट्रैफिक पे क्लिक किया, देन हमारे पास ये तीन ऑप्शन ऐसे कैसे रहेंगे, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया, सर्च ऐड हो गया हमारा ये। यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट लगा दी https://graphicdesignkoursenoida.com। इसका नाम मैं डेमो दे रहा हूँ और कंटिन्यू कर दिया हमने। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद ये कह रहा है कि आपने जो पहले सेटिंग कर रखी है वही चाहिए मुझे या नहीं चाहिए। स्टार्ट न्यू करा तो ये नई से आ गई। यहाँ पे आपको कन्वर्जन रखना है हमेशा। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जन रखना है, गलती से भी क्लिक मत रखना। क्लिक करोगे, क्लिक रखोगे तो फालतू में बहुत क्लिक आएंगे, कन्वर्जन नहीं आ पाएगी।
तो आपको ये रखना है यहाँ पे हमेशा ये अमाउंट डाल के रखना, लाइक मैंने यहाँ पे 20 रुपीज डाल दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो सीपीए है वो 20 रुपीज से ज़्यादा नहीं जाएगी, मतलब कॉस्ट पर क्लिक जो होगी वो उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, ऑप्टिमाइज कैंपेन आप इस पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देना, नेस कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ऑल नेटवर्क लिखा आ रहा है, तो जब आप ऑल नेटवर्क लिखा आ रहा है तो आप ना यहाँ पे ना इसको चेक रखना है आपने। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करो पहले, तो चूज नेटवर्क, तो आपको ना पहले वाले को चेक रखना है, सर्च नेटवर्क को, डिस्प्ले नेटवर्क को आपको हटा देना है। ठीक है, ये बोलेगा आपसे कि रखो, इससे अच्छी वो आएगी, पर ऐसा मत करना, फालतू के क्लिक बहुत ज़्यादा आएंगे, कोई काम के क्लिक नहीं आएंगे, तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा। ठीक है, सिर्फ ये वाला चेक रखना है। इसका मतलब ये होगा कि गूगल से ही कोई गूगल पे सर्च करेगा तभी हमारी साइट जो है वो दिखाई देगी। लोकेशन मैंने आपको बताया था कि लोकेशन को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ लोकेशन डाल दी इंडिया में, या पर्टिकुलर कोई लोकेशन है जैसे हमारे पास नोएडा, तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। एंटर अनदर लोकेशन आ रहा है ना यहाँ पे, यहाँ मैंने नोएडा डाल दिया, तो नोएडा के पर्टिकुलर कुछ एरिया हम ये ले लेंगे। अब इसके बाद हम आए यहाँ पे, लैंग्वेज इंग्लिश हो गई। अब यहाँ पे आए हम, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया यूज ओनली एड डायरेक्टली माई एड्स। ठीक है, मोर सेटिंग में गए, ये सब कुछ ऐसे ही रहने देना था हमें, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे हमें कीवर्ड लगाने थे तो कीवर्ड हमने लगा ही लिए थे। ठीक है, इसके बाद इसे इस पे मेन फोकस करना है आपने। ये जो एड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अब वो कैसे अच्छी हो सकती है, आपको ना यूनिक यूनिक क्या करने हैं, आपने ऐसे यहाँ पे यूनिक यूनिक हेडिंग डालनी है, जो मतलब सबसे सर्च भी की जाती हो और ये थोड़ी यूनिक भी हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया ग्राफिक डिजाइन ट्रेनिंग, यहाँ डाल दिया इंस्टीट्यूट फॉर ग्राफिक डिजाइन। यह डाल दिया ग्राफिक डिजाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा। यह डाल दिया हमने, इस तरीके से आपने क्या करना है, ये डाल देना है। आप ना यहाँ पे व्यू आइडिया पे भी क्लिक कर सकते हो, आप यहाँ से इन्हीं को उठा सकते हो, जो भी सही सही लग रहा है आपको। पर ये अराउंड आपकी 14 रहेगी, ये जो रहेगी आपकी 14, तो देखो ये स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये अराउंड आपकी 14 रहेगी, थोड़ी बड़े रखना, जिसमें मतलब जिस ये ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के यहाँ से डाल दिया, आप अपने हिसाब से जैसे वेब डिजाइनिंग डाल दिया आपने यहाँ पे, और ऑनलाइन के कोई मतलब नहीं है, वेब डिजाइन इंस्टीट्यूट इन डाल दिया नोएडा, ऐसे डाल दिया। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट डाल दिया, ऐसे आप इस तरीके से बढ़ा देना। आईटी ट्रेनिंग डाल दिया, पीपीसी कोर्स फॉर ग्राफिक डिजाइन डाल दिया। अब देखो ये पूरा हो गई, कह रहा है कि ये वाला कीवर्ड जो है ना वो सही नहीं लगा इसे, तो इसने पूरा कर दिया, इसको हटा देते हैं हम। तो इसको आपको कैसे भी करके ये स्ट्रेंथ को बढ़ानी है। ठीक है, यहाँ पे इस पे क्लिक कर दो, पॉपुलर कीवर्ड पे ये डाल दो, ऐसे क्लिक करके ये सब तो यूज हो चुके हैं। तो ऐसे जितना ज़्यादा मतलब ये स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी इसकी, उतना ज़्यादा ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ऐसे ही आपने ये भी बनानी है अपने डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी इसी तरीके से डालनी है।
मेरा वैसे 82% स्कोर हो चुका है, तो एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन भी इसी तरीके से डाल देंगे। मतलब कंटेंट सोचना पड़ेगा, कंटेंट आप चाहो तो चैट जीपीटी से ले सकते हो, थोड़ा बहुत मिक्सअप करके काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई एड्स को, मतलब किस तरीके से हमें मैनिपुलेट करना है, किस तरीके से कॉस्टिंग कम लेके आनी है, वो ये इसके थ्रू हो पाएगा। पर कॉस्ट वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा कि कितने रुपये मैक्सिमम क्लिक है। तो ये गूगल क्या करता है, अपने हिसाब से ही कुछ भी क्लिक दे देता है। तो अगर आप 20 रुपये 18 रुपये लगा दिया तो उतने तक की ही आपको कॉस्टिंग मिलेगी। पर उस केस में क्या होता है कि ना आपका जो ऐड है ना, जैसे ये कोई ऐड लगाया, वो ऐड हो सकता है कभी ऊपर आए कभी नीचे आए, तो एक जगह फिक्स नहीं रहता फिर उसमें। जैसे मैंने अभी ऐड चला रखा है तो मेरा ये नीचे लास्ट में आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। जब भी मैंने ऐड चला रखा है वो ये आ रहा है मेरे पास, ठीक है। कोई से भी कीवर्ड पे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे तो नीचे ही आ रहा होगा। तो ये देखो ये अब ऊपर आ रहा है, पर ये क्या हो रहा है, ये उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लाइक क्या कर सकते हो, ऐड बना सकते हो। आपका जो जो लाइक आपकी हेडिंग है ना, और हेडिंग और कीवर्ड मैच करते हैं तो आपके आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है, आपने जो हेडिंग बनाओगे वो कीवर्ड के हिसाब से ही बनाना। तो ये हो गया हमारा ऐड का सेक्शन, इस तरीके से हम इसका ऐड लगा सकते हैं। सेकंड अब देखते हैं फेसबुक का ऐड कैसे लगाते हैं। तो ये तो हो गया गूगल एड्स हमारा, ठीक है, गूगल एड कैसे लगा सकते हैं। फेसबुक का ऐड लगाने के लिए आपको जाना है facebook.com पे। पासवर्ड क्या है इसका, मतलब फेसबुक गूगल का ऐड तो फिर भी आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि ना इसके ना अगर एक बार पैराग्राफ कभी गलती से सस्पेंड हो भी गया। अच्छा मैं कुछ और रूल्स ही बता देता हूँ, उसमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। आपने आपने टाइटल के अंदर फ़ोन नंबर नहीं डालना, ऐड सस्पेंड हो जाएगा। आपने टाइटल के अंदर ईमेल आईडी नहीं डालनी, ऐड सस्पेंड हो जाएगा। आपने ब्रांड का नेम नहीं यूज़ करना। आपने लाइक क्या करा, आपने कीवर्ड ले लिया किसका, नाइका का, नाइक का या फिर एडिडास का, आपने गलती से ये भी कीवर्ड यूज़ कर लिया, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से अरीना मैक इन सब का नाम नहीं ले सकते, ठीक है, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। इनकेस अगर आप अपनी कंपनी का भी नाम ले रहे हो, तो जैसे मैं अपनी कंपनी का नाम हेक्सा कोड यूज़ करता हूँ तब भी मेरे अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस बन जाएंगे। उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट जो है उस पर आपको प्राइवेसी पॉलिसी का पेज लगाना पड़ेगा, नहीं तो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको लोन के ऊपर आप ऐड नहीं चला सकते। लोन के ऊपर ऐड चलाना है तो चला सकते हैं, पर हमें प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन का पेज रखना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, नहीं तो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। हम ई कॉमर्स के ऊपर ऐड नहीं चला सकते। ई कॉमर्स के ऊपर ऐड चलाना है तो प्राइवेसी पॉलिसी का और टर्म्स एंड कंडीशन का पेज रखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन का रखना पड़ेगा अगर हम लोन के लिए और ई कॉमर्स के लिए लेके चल रहे हैं। कुछ कुछ कैटेगरी जो होती है वो गूगल उसे सपोर्ट नहीं करता, जैसे कि कस्टमर केयर। कस्टमर केयर एक ऐसी एक्टिविटी है जो गूगल ना इंडिया में सपोर्ट करता है, पर इंडिया से बाहर क्लाइंट के लिए आप चला रहे हो तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा।
तो इस पे आप नहीं चला सकते। क्या हुआ था, पहले चल जाता था, पर अभी कुछ टाइम पहले लोग क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे थे। लोग क्या करते थे कि ना कॉल करते कि हम कस्टमर केयर से, एचपी कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, और आपके लैपटॉप में लाइक एंटीवायरस अपडेट करना है, उस चक्कर में वो क्या करते हैं कि वायरस डाल देते, और फिर वो डिमांड करते कि ना लाइक हम वायरस निकालेंगे तो उसके पैसे लगेंगे, इतना पैसा खर्चा आएगा, नहीं तो आपकी सारा डाटा लीक हो जाएगा, ये सब चीज़ें होती थी। तो ये कंप्लेंट हुई, तब से ना गूगल क्या करता है, इंडिया से बाहर यूएसए में ना ये कैटेगरी को ना ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, गूगल इसे रीड नहीं करता। इंडिया में चला सकते हो आप, इंडिया से बाहर नहीं चला सकते, ठीक है। अगर कोई वाइन और लिकर यानी इस तरीके की कोई साइट है, वो आप इंडिया में ऐड नहीं चला सकते, पर इंडिया के बाहर आप ऐड चला सकते हो, ठीक है। इंडिया से बाहर ऐड चल जाएगी उस पर। सेम फेसबुक का भी है, फेसबुक में भी सेम ही पॉलिसी लेके चलता है। अगर आप अगर लोन और ई कॉमर्स को आप बिना प्राइवेसी पॉलिसी पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज देखो कैसा होता है, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ चश्मा फॉर यू डॉट कॉम, ये ऐड चलाने के लिए, इस वाली वेबसाइट पे ऐड चलाने के लिए हमें ये सारे पेज की ज़रूरत होती है, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब पूरा पेज हमें चाहिए होता है। बस हमें अपना ये सेम रहता है सबका, सबकी प्राइवेसी पॉलिसी सेम रहती है। हमें ये कंटेंट को कॉपी करके बस अपना नाम, जहाँ जहाँ नाम दे रखा है वो नाम चेंज करना होगा। फिर सेकेंड हमें चाहिए होता है टर्म्स एंड कंडीशन का पेज, ये भी सबका सेम ही होता है, बस नाम और चेंज वो चेंज करना होता है। तो ये दो पेज हमें चाहिए ही चाहिए होगा, तभी हम ऐड चला सकते हैं। कोई सी भी वेबसाइट देखोगे आप जो ऐड चलाती होगी और इससे रिलेटेड काम कर रही है, जैसे मुनीम जी डॉट इन देखते हैं, जैसे ये वाली वेबसाइट देखिए, अब देखो इसने भी क्या कर रखा है, ये ऐड चला रहे, तो ये इन्होंने भी क्या कर रखा होगा, यहीं पे कहीं टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बना रखा है। ये रहा टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, ये दो पेज हमें चाहिए ही होते हैं। अगर ये हम नहीं यूज़ करते तो क्या होता है कि ना हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है, फेसबुक का भी और गूगल का भी। तो आपको ना जब भी ऐड चला रहे हो तो आप ये देख लेना, अगर इससे मिलती जुलती कैटेगरी है तो आप अपना ये टर्म्स एंड कंडीशन और ये वाला पेज जरूर बना लो, ठीक है। तो तभी गूगल क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि क्या होता है गूगल चाहता है कि ना हमारे जो हमारा जो सोर्स है ऐड का, उससे कोई फ्रॉड ना करे। तो बहुत से लोग क्या करते हैं ई कॉमर्स लेके चलते हैं, और ई कॉमर्स में वो क्या करते हैं प्रोडक्ट बिकवा देंगे, बेच देंगे, मतलब ऐड चला के पर भेजेंगे नहीं। तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन हमें ये पेज डालना जरूरी है, जब तक ये नहीं डालेंगे तब तक हमारा ये अप्रूव नहीं हो पाता, ठीक है। तो यही यही पढ़ना है आज अपने एड्स के बारे में, फिर नेक्स्ट क्लास में हम फेसबुक का ऐड देखेंगे।